मैं प्रियंका शर्मा राधे राधे गार्डन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं जो आज आपका वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो इस मैटर पे है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने अच्छे डिजाइनर मकान बना रहे हैं और बहुत ही मॉडर्न मकान बन रहे हैं, बहुत सुंदर हाउस आजकल बन रहे हैं, फैशन में है। तो फ्रेंड, होता क्या है कि हम अच्छे मकान तो बना लेते हैं, अंदर से इंडोर पूरा डेकोरेट कर लेते हैं, खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन हम ये अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते या फिर हम लगाते ही नहीं है कोई भी प्लांट्स। तो बिना प्लांट्स के भी हमारा जो घर है, हमारा जो हाउस है, वो खूबसूरत नहीं लगता। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी कि कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड प्लांट्स हैं जिनको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, जिनको आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हाउस की एंट्री, और मैंने एंट्री में कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं, आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं, आज यही मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरे गेट की जो है ये साइड एंट्री है, और साइड एंट्री में भी अपने मैंने ये प्लांट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कनेर के प्लांट हैं, और पाउडर पफ है फ्रेंड, गोरी चोरी का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, ये देखिए ये पाउडर पफ है, ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट है, मल्टी कलर का। और फ्रेंड, ये देखिए यूरेका की वैरायटी लगी हुई है, जो कि इसकी धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आराम से चलता रहता है ये प्लांट। इधर देखिए काफ़ी सारे मेरे जट्रोफा का प्लांट है, जट्रोफा की वैरायटी है, और बहुत सारे प्लांट हैं जो कि मैं एक एक बताऊँ। बेला का प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है, और कनेर के काफ़ी सारी वैरायटी है। कनेर में ये येलो है, और फ्रेंड मल्टी पेटल में भी हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के भी हैं, और छोटी वैरायटी के भी प्लांट्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। और चांदनी के, चमेली के प्लांट लगे हुए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आपकी एंट्री में जगह है, आपकी मेन एंट्री है जो गेट एंट्री है, तो फ्रेंड वहाँ पर आप देखिए मैंने जो है पाम ट्री लगा रखे हैं। पाम ट्री काफ़ी लंबे हो गए और 18 से 19 साल के करीब इनको हो गए फ्रेंड। बहुत छोटे छोटे ये प्लांट लाई थी, तो ये मैंने अपने ही हाथ से लगाए थे। एक मैंने देखिए ये आम का पेड़ साइड में लगा रखा है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो फ्रेंड, साथ में मैंने देखिए ये अशोक के पेड़ भी लगा रखे हैं, लेकिन जब मैं शुरू में हमारा मकान बना था तो एक बार मैंने सोचा था कि पूरे अशोक के पेड़ ही लगाऊंगी, तो बाकी के अशोक के पेड़ मेरे ख़राब हो गए थे। तो फ्रेंड फिर ये 3 अशोक के पेड़ रह गए थे, बाकी मैंने और बहुत सारे प्लांट्स लगाए और काफ़ी सारे मुझे आइडिया आए, तो आइडियाज़ बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। तो देखिए ये है मेरा कमेलिया का प्लांट। अगर आपके गेट पर धूप कम आती है तो आप कमेलिया के प्लांट को लगा सकते हैं। और फ्रेंड जो है, अगर आपके पास ये रोज़ के प्लांट लगाना चाहते हैं तो रोज़ के भी लगा सकते हैं, क्योंकि रोज़ के प्लांट मेन एंट्री पे बहुत शुभ होते हैं। भले ही ये कांटे के होते हैं, लेकिन रोज़ के प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, शेरों वाली मैया दुर्गा माँ पर चढ़ाए जाते हैं, लक्ष्मी माता पर चढ़ाए जाते हैं, सभी भगवानों पर चढ़ते हैं गुलाब के। तो गुलाब के प्लांट आप लगा सकते हैं, रोज़ का प्लांट आप कोई सा भी लगा सकते हैं फ्रेंड, देसी रोज़ लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ये देखिए हाइब्रिड वैरायटी का लगा हुआ है, तो ये इंग्लिश रोज़ लगा हुआ है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। कितना सुंदर ये खिल रहा है और काफ़ी सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड जितने भी ये प्लांट्स आपको बता रही हूँ, इनको आप गमलों में भी लगा सकते हैं। अशोक के पेड़, पाम ट्री, या फिर ये रोज़ के प्लांट हुए, ये तो मालूम ही है आपको कि ये बड़े से बड़े गमलों में लग जाते हैं। अशोक के पेड़ भी गमले में लग जाते हैं, पाम ट्री भी गमले में लगते हैं। तो फ्रेंड बड़े से बड़े गमले में आप लगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह है तो। लेकिन जिसको धूप की कम ज़रूरत थी वो मैंने आपको साथ में बता दिया। और बाकी ये जो प्लांट है, इस समय मेरा खिला हुआ नहीं है, एक होता है मुसंडा का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं फ्रेंड, और इसमें जो है रेड और पिंक और शेडेड वाइट इस तरह के कलर्स आते हैं, और बहुत दिन तक इसके फ्लावर बने रहते हैं, क्योंकि मैंने इसको कट कर दिया था इसलिए इस वक्त इसमें फ्लावर नहीं है। और अगला प्लांट है फ्रेंड हमारा, ये देखिए रात की रानी। तो रात की रानी का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और गेट की एंट्री पे बहुत ही सुंदर ये प्लांट माना जाता है फ्रेंड।
और अगला प्लांट है हमारा, देखिए ये येलो कलर की चमेली है, अभी इस पे फ्लावर नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, कभी मेरे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। ये है पीली चमेली, इसमें पीले फूल आते हैं, इसमें खुशबू नहीं आती लेकिन इसमें फूल बहुत दिन तक बने रहते हैं, तो इन सबको मैंने कट कर दिया था। बाकी ये देखिए लगा रखा है, ये मैंने, ये चांदनी का प्लांट है, एक सिंगल चांदनी आती है फ्रेंड, एक डबल चांदनी आती है, एक मल्टी पेटल आती है, तो मैंने तीनों ही प्लांट लगा रखे हैं। ये डबल चांदनी है हमारी, तो डबल चांदनी का प्लांट लगा रखा है, इसको आप लगा सकते हैं गेट की एंट्री पर या बाउंड्री वॉल के बराबर में, या आप गमले में लगा सकते हैं इसको। सभी प्लांट को, जितने भी प्लांट मैंने आपको बताए, इन सबको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं फ्रेंड, और इनको आप इस समय नर्सरी से भी ला सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट इस समय नर्सरी में अवेलेबल होते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये कितना शुभ प्लांट है जिसको मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके फ्लावर भी खिले हैं, सुबह भी मैंने काफ़ी सारे जो है तोड़े थे, और अंदर अंदर अभी खिल रहे हैं, अभी बाहर नहीं खिल रहे। तो ये धनवर्जिया का प्लांट है फ्रेंड, बहुत शुभ प्लांट होता है, इसे आप गेट की एंट्री पे जरूर लगाएं अगर आपके जगह है, और बाकी आप गमलों में भी लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं। तो कुछ चुनिंदा और सेलेक्टेड प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे वैसे प्लांट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती या फिर शो के प्लांट होते हैं तो वो खूबसूरत नहीं लगते। अगर शो के भी लगा रहे हैं तो बहुत सुंदर होने चाहिए, तो मैं सभी प्लांट आपको ऐसे बता रही हूँ जो घर के लिए बहुत शुभ होते हैं। और ये देखिए, ये मैं जो आपको हाथ से दिखा रही हूँ, ये टिकोमा के प्लांट है, तो टिकोमा में आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये टिकोमा की छोटी वैरायटी होती है, स्मॉल वैरायटी, एक लॉन्ग वैरायटी भी आती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो इसको आप जरूर लगाइए, गमले में भी लगा सकते हैं, कटिंग से तैयार कर सकते हैं, गेट की एंट्री पर या घर के अंदर आप लगा सकते हैं इनको। ये फ्रेंड जो आप फ्रेंड देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ये नस्टेशियम का प्लांट है, जो कि विंटर प्लांट होता है, जो कि अभी तक ये खिलेगा और आगे तक खिलेगा, तो इसको तो खैर ये विंटर का है बता रही हूँ आपको। और इसके साथ ये देसी रोज लगा हुआ है, और फ्रेंड ये लगा हुआ है हमारा अलवंडा का प्लांट, तो अलवंडा का प्लांट भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और बहुत लंबे समय तक खिलता है, ये जो है नवम्बर तक खिलता है, तो इस प्लांट को भी आप गेट की एंट्री पर बड़े आराम के साथ लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड अब आप देख रहे हैं, देखिए ये है वेरिकेटेड कनेर का प्लांट, और ये है फ्रेंड प्लेन प्लांट, देसी प्लांट है ये भी, और इसमें भी फ्लावर बड़े खूबसूरत आते हैं, मल्टी पेटल में पिंक कलर की रेडिश से हो जाते हैं। और ये जो है देखिए, ये जो है प्लेन है, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी, वो उधर उस साइड में काफ़ी सारे खिले हुए हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, अभी जो मैं आपको कनेर दिखा रही थी तो प्लेन ग्रीन पत्तियों का जो दिखा रही थी उसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, जो बैरिकेटेड कनेर होता है उसमें भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, कितने बड़े बड़े फ्लावर इसमें आए हुए हैं। मैंने इसको कट कर दिया था, नहीं तो ये पूरा पेड़ बन जाता है फ्रेंड, और बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम ना हो कि जो प्लांट है वो रोड पर आ रहा है, या काफ़ी सारी जगह पड़ी हुई है, आपके अंदर कच्चा पड़ा है या बाहर पड़ा है, तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए, जितने भी प्लांट में आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड। इसी तरीके से फ्रेंड ये देखिए, गुच्छे में खिलने वाला फ्लावर प्लांट है, जो कि अब मार्च अप्रैल और मई तक खिलता है, और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, एक तरह से ये जो है बेल के रूप में चलता है, रोज का वैरायटी होती है ये फ्रेंड, और बहुत प्यारी होती है। ये देखिए इस तरह का इसका कलर होता है, ये धूप की वजह से इस तरह से कलर जो है उड़ गया है, ये देखिए ये इसका डार्क रंग है इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा सुंदर प्लांट होता है, इसे भी आप गेट की एंट्री पे लगा सकते हैं। सभी गमलों को मैं दोबारा बता रही हूँ, सभी प्लांट्स जितने भी हैं गमलों में भी आप लगा सकते हैं, गेट की एंट्री पे लगा सकते हैं, जहाँ कहीं आपकी धूप आती हो, जहाँ कहीं लगता हो आपको कि यहाँ पर सनलाइट अच्छी आती है, तो आप वहाँ इन सभी प्लांट को लगा सकते हैं, और कटिंग से भी इन सभी प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्लांट मेरे लगे हुए हैं हिबिस्कस के, और ये प्लांट 4 o'clock है, जो कि 4 बजे खिलता है, इसका नाम ही 4 o'clock है, और ये बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में आता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये येलो वाइट रानी कलर इस तरह से आता है, कलियां देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी खिल रही हैं फ्रेंड। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, ये मेरी अंदर की एंट्रेंस है, और मैंने कितने सुंदर और शुभ प्लांट लगा रखे हैं। मोरपंखी का प्लांट है, और मैंने जो है 3-4 कटिंग से तैयार करे हैं। इसका मदर प्लांट मेरा बाहर क्यारी में लगा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, शायद आया है शायद,
तो मैं फिर से बता रही हूँ, ये देखिए मोर पंखी का प्लांट है, इसको जरूर आप लगाइए। इसको हमेशा जोड़े से लगाया जाता है, कभी भी सिंगल ना लगाएं, इसको हमेशा जोड़े से लगाएं। दो प्लांट कम से कम आपकी होने चाहिए, जैसे आपने राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपको इनको लगाना है फ्रेंड। और ये आप देख सकते हैं, ये स्नेक के प्लांट हैं, ये बहुत ही शुभ प्लांट होते हैं और बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड कराते हैं, तो इन प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं तुलसी जी लगा रखी हैं, सफलेरा लगा रखा है, बहुत ही प्यारे प्लांट हैं जो भी लगे हुए हैं। ड्रेसिना की वैरायटी लगी हुई है, ये सफलेरा है जो कि ये वेरीकटेड आता है, प्लेन पत्तियों में भी आता है फ्रेंड। और ये देखिए, ये ड्रेसिना की वैरायटी है, ये एग्नोलिमा का प्लांट है फ्रेंड। मेरा एग्नोलिमा ख़राब हो गया था, इसलिए ये आपको बेबी प्लांट दिखाई दे रहा है, बहुत सारा बड़ा हो गया था, वो ख़राब हो गया किसी वजह से। ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, और सर्कुलेंट फैमिली के प्लांट भी लगा सकते हैं। तो सर्कुलेंट फैमिली के प्लांट आप वहीं लगाएंगे फ्रेंड जहाँ से 2 से 3 घंटे की इनको सनलाइट अच्छी मिल सके। ये देखिए, ये भी एग्नोलिमा लगा हुआ है मेरा, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो फ्रेंड मोर पंखी का देखिए दूसरा प्लांट लगा हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था, जब हम घर से अपने निकलते हैं तो वो राइट में लगा है, ये लेफ्ट में लगा हुआ है, और ये कटिंग से तैयार किए थे, जितने हैं ये सारे शीट्स हैं इसके। और आप देख सकते हैं ये क्लांचो के प्लांट रखे हैं, ये क्लांचो के प्लांट यहाँ पर इसलिए रखे हैं फ्रेंड कि इनको अब मैं कट करूँगी। बहुत अच्छी, बहुत हैवी फ्लूमिंग हुई है और कुछ में अभी होने वाली है, तो इन सब की कटिंग मैं दोबारा से लगाऊंगी। तो क्लांचो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड, और ये जो है हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी में आता है, लेकिन आप इसे खुले में रखने से पहले इस बात को सोच लें कि ये बरसातों में या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसको लगाने से पहले आपको ये अपने मन में सोचना पड़ेगा। इधर देखिए, ये है कोलियस का प्लांट, जो कि हमारे जो एंट्री है या हमारे घर को बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाता है, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसको पूरे साल भर हम कटिंग से तैयार करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारा प्लांट लगे लगे डल हो गया, ख़राब हो गया, तो इसकी ऊपर से हम कटिंग लेते हैं और लगा लेते हैं। तो कोलियस के प्लांट भी आप अपने जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, अपने घर में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, लगा सकते हैं। और ये लालसा का प्लांट है, जो कि हैज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और फ्रेंड इसको आप जो है इस तरह गमले में और हैज के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है, जो कि हमारे गार्डन को कलरफुल बनाता है। इसमें मैंने देखिए सब मिक्स करके प्लांट लगा रखे हैं, कोलियस की मेरी 2 वेराइटी इसमें लगी हुई हैं, और फ्रेंड 2 नहीं 3 बल्कि लगी हुई हैं, और एक लाल सा लगा हुआ है, तो कई सारे प्लांट एक साथ मैंने एक गमले में लगा रखे हैं। ये हमारी क्रोटोन की वैरायटी है फ्रेंड, ये क्रोटोन मैंने एक ही लगा रखा है, बाकी मेरे जो है काफ़ी पुराने हो गए थे तो वो ख़राब हो गए, अब मैं नए प्लांट लेके आऊँगी, तो वो पानी नहीं दे पाई मैं उनमें, मैं चली गई थी फ्रेंड इसलिए। और ये देखिए ड्रेसिना की वैरायटी है, तो ड्रेसिना बहुत ही गुड लक प्लांट होता है फ्रेंड, इसमें मेरे और भी प्लांट लगे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उधर। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है, काफ़ी सारी मैंने लगा रखी है, नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पर ये प्लांट लगे हुए हैं। और फ्रेंड ये देखिए, ये पॉइंसेटिया है, पॉइंसेटिया को कटिंग से भी मैंने तैयार किया है, बहुत अच्छे से कटिंग से इस समय तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं, तो आप इसे गेट की एंट्री पर बहुत आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का फ्लावर है और बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है सिंगल कनेर है, सिंगल फ्लावर वाला, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत सारे फ्लावर आते हैं इसमें, और ये हाइट में छोटा रहता है, तो ये बहुत ही हाइब्रिड वैरायटी का है, बहुत सुंदर प्लांट है फ्रेंड, इसे भी लगाइए। और ये भी छोटे रहते हैं, ये गमले में लगाने के लिए, या आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, तो इनकी ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ती है। और बाकी ये जो बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड, ये है हमारा गोरी चोरी का प्लांट, जो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, इसको तो हम क्या कहें, अगर आपने ये प्लांट नहीं लगाया तो आपने कुछ नहीं लगाया अपने गार्डन में, इसको आप जरूर लगाना। मैंने सेलेक्टेड प्लांट आपको सब बताए, सब सुंदर प्लांट बताए, ये गोरी चोरी का प्लांट भी आप जरूर लगाइएगा। वैसे तो प्लांट्स बहुत सारे हैं फ्रेंड, और बाकी मैं आपको फिर शेयर करूँगी, प्लांट्स काफ़ी सारे होते हैं, वीडियो आपका बड़ा होगा फ्रेंड, फिर अच्छा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है फ्रेंड, तो चलिए चलती हूँ, आप इन सेलेक्टेड प्लांट्स को जरूर लगाइए अपने अपने घर में, अपने गार्डन में फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।